नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। आचार्य बालकृष्ण को एम्स ऋषिकेश से मिली छुट्टी, मुख्यमंत्री ने जाना हालचाल। ऋषिकेश के एम्स में भर्ती पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत ने बताया कि डॉक्टर की विशेषज्ञ टीम की निगरानी में उन्हें आईसीयू में रखा गया था। उनके स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। एम्स से छुट्टी पाने से पहले उनसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मिलने एम्स ऋषिकेश पहुंचे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बालकृष्ण से मिलकर उनका हालचाल जाना। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, रामदेव चूना अखाड़े के स्वामी अवधेशानंद समेत परमार्थ ऋषिकेश के परमाध्यक्ष चिदानंद मुनि आदि भी एम्स में मौजूद थे। स्वामी रामदेव ने कहा कि आचार्य बालकृष्ण की तबीयत पेड़ा खाने के बाद ही बिगड़ी थी। इसके पीछे उन्होंने किसी साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पतंजलि योगपीठ की ओर से इस संबंध में मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। अगर किसी ने साजिश के तहत ऐसा किया है तो दोषी को सजा मिलेगी। अभी तक की जांच में यही बात सामने आई है कि खाने में कुछ जहरीला सेवन करने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि फिलहाल उनके एंजाइम्स और खून के नमूने फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। यह रिपोर्ट आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने बताया कि आचार्य बालकृष्ण को हृदय और मस्तिष्क से संबंधी कोई बड़ी समस्या नहीं है। शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे मिठाई खाने के बाद आचार्य बालकृष्ण की अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें उपचार के लिए हरिद्वार स्थित भूमानंद अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया। शाम करीब 4:15 बजे बाबा रामदेव खुद आचार्य बालकृष्ण को लेकर एम्स ऋषिकेश पहुंचे। यहां उनका MRI, ECG और अन्य चिकित्सकीय परीक्षण किए गए और इसके बाद इंटेंसिव केयर यूनिट ICU में भर्ती कर दिया गया। शाम 7 बजे एम्स के चिकित्सा अधीक्षक प्रो ब्रह्म प्रकाश ने उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया। बताया कि आचार्य बालकृष्ण के कई मेडिकल टेस्ट कराए गए। उनकी अधिकांश मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आई थी।